हमारे प्यारे बच्चों, क्लास 7 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3.2 क्वेश्चन नंबर 2। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल आई डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये ईयर दिए गए हैं, इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो ये कहते हैं 1996 में 400, 98 में 535, 2000 में 472, 2002 में 600, 2004 में 623 स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पार्ट ए पूछ रहा है, प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग वन सिंबल। ऐसे एक सिंबल बनाने हैं टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स। जब हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे तो एक फिगर 100 बच्चे को रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और उसके बाद इन सवालों के जवाब दीजिए। देखो बेटा, ये मैंने पिक्टोग्राफ बना लिया। ये 1996 में कितने वहाँ पे 400 बता रहा है, तो हमने चार फिगर बनाए 1 2 3 4। और 1998 में देखिए 535, तो 535 जो है 35 जो है वो नियर राउंड ऑफ 500 पे चला गया, तो यहाँ पे 5 फिगर बनाई मैंने। 2002 में 1 2 3 4, 2002 में 1 2 3 4 5 6, 2004 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है ए पार्ट, हाउ मेनी टेम्बल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002। 2002 में देखिए यहाँ है 2002, तो फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे 600, तो फिर फिगर्स हमारे कितने आएंगे 6, क्योंकि एक फिगर 100 बंदों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने आंसर ले लिया 6 फिगर्स। ठीक है, तो पार्ट बी ये पूछ रहा है, हाउ मेनी सैम्पल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 1998। 1998 में कितने बंदे आएंगे, देखिए यहाँ पे 1998 में कितने बच्चे हैं 535, क्योंकि 5 हो गया कंप्लीट, 35 हो गया हाफ, तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट।